शेख रशीद अहमद ने लाल हवेली के हवाले से अपना मौकफ देते हुए कहा कि ये लाल हवेली तो पहले ही मैं डोनेट कर चुका हूँ कि मेरे मरने के बाद लाल हवेली वुमेन यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी जाए। उन्होंने बोला, मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ, यहाँ से जनरल अयूब के खिलाफ, भुट्टो के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ और बेनजीर के खिलाफ सियासत की है। ये लाल हवेली हर एक के खिलाफ रही है। 16 दफा वजीर रहा हूँ, करप्शन का कोई केस इन्होंने ढूंढा नहीं मिला। मेरी किताब के बिकने के ऊपर इंक्वायरी की गई, 2 करोड़ की किताब मिली, 70 लाख रुपए CBR के रिकॉर्ड में जमा करवाए, वहाँ से भी कुछ ना मिला। शेख रशीद ने इस हवाले से इस्तदा भी की थी कि रेंजर्स और FC लाल हवेली खाली करवाने मत आए, ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, वो मुझे खुद हुक्म कर दे, मैं थाने चला जाऊंगा, लेकिन उनके वक्कार और इमेज के लिए ये ठीक नहीं। और उन्होंने राणा सनाउल्ला को इनकार कर दिया कि ये कब्जा करने वाली कोशिशें हमसे मत करवाओ। राणा सनाउल्ला ने रात के पहर बारिश शदीद थी तो FIA को बेच के अपनी बदतरीन नफरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा, मैं इसके खिलाफ अदालत जा रहा हूँ और लाल हवेली किसी का बाप भी नहीं गिरा सकता, जो गिराएगा मेरी लाश के ऊपर गिराएगा। बोले आकर बोलते हैं, इसमें से इतनी मंजिलें आपकी हैं, एक मंजिल आपकी नहीं, आओ फिर गिरा कर दिखाओ, मैं भी यही खड़ा हूँ। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं। हमारी जाती मलकियत है, अब इसको ये फोन किया जी कि 3 मरले आपकी मलकियत है, आपने 4 मरले रखी हुई है। पहले 16 मेरी वजारतों को इन्होंने छानबीन की, कुछ नहीं निकली। एक मेरी किताब भी की है 2 करोड़ की, उस पर इन्होंने कहा जी 70 लाख रुपया जमा कराओ, मैंने 30 दिसंबर को करा दिया। अभी यहाँ मीडिया से बात करने के बाद 5 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मलकियत अल्लाह के बाद है, अगर हमने कोई किसी की जायदाद पे कब्जा किया तो हम कौमी मुजरम हैं, और हम 16 दफा वजीर रहे, हमें नाहल करार दे दिया जाए। रात ये FC को और रेंजर्स को बुलाया, रेंजर्स ने इनकार किया, FC ने इनकार किया, ये FIA को ले आया राणा सनाउल्ला आसफ के नाम पे। अभी हाईकोर्ट जाएंगे, यहाँ मीडिया से बात करने के बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस।